क्या है कि असल में मुझे जो है बचपन से जो है ना बड़ा ड्राइविंग का बड़ा शौक है। कराची में अब कोई जगह बची नहीं है ऐसी कि इसके अंदर जो है वो लॉन्ग ड्राइव करें, हर वक्त का ट्रैफिक जैम परेशानी, तो कोई ना कोई ऐसी जगह है जो है ना ढूंढते हैं कि जो है जिसके अंदर हमें लॉन्ग ड्राइव का मौका मिले। हब डैम कराची से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने में तकरीबन 45 मिनट से लेकर एक घंटा तक लग जाता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह किसी ख़ास दोस्त को अपने साथ ले लेंगे तो ये छोटा सा सफ़र भी बड़े जल्दी तय कर लेंगे। जैसे ही हम हब डैम के करीब पहुँचे तो हमें वहाँ पर वेलकम किया गया। थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ रही है ऊपर चढ़ने के लिए। तो आज ये एक बड़ी दिनों बाद जो है वो कोई जगह मिली थी तो इस पर हमने लॉन्ग ड्राइव का मज़ा भी करा, एंजॉय भी लिया। पे रेस्ट हाउस बनाया हुआ है वापडा की तरफ से, तो आप बुकिंग करा सकते हैं। जैसे हमने भी यहाँ पे देखा कि वो अच्छा, उन्होंने कुकिंग कुक्स वगैरह दिए हुए हैं कि आप उनसे खाना वाना पकवाएं, यहाँ आएँ इंजॉय करें फैमिली। अरे हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये वही हब डैम है जहाँ से पूरे कराची को पानी सप्लाई किया जाता है। हब डैम में पानी की कम सतह होने की वजह से कराची की आवाम को पानी की किल्लत का सामना है। कराची की आवाम से गुजारिश है कि पानी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि आने वाले वक्तों में मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन हजरत साहब के साथ वकास शेख, AFW व्लॉग्स, कराची। जी आज की तफरी में जो है ना वो हम फुल पैकेज के साथ आए, न्यूज़ रिपोर्टर, टूर गाइड सब हमारे साथ हैं। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं टूर गाइड, ये बताएंगे हब डैम के बारे में जो है ना कि यार हब डैम की क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। जी सर, क्या फरमाएंगे? यार ये 1963 के अंदर बनाया गया था। अच्छा, तो पानी को पहले की होगी फिर? नहीं, उससे बहुत बात की है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हिस्ट्री आपको पहले से मालूम है। तकरीबन ये 83,000 एकड़ के ऊपर जगह है जिसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं। ये पहाड़ जो नुमा नज़र आ रहा है, ये पहले जो है यहाँ पे पानी हुआ करता था। 2010 के अंदर यहाँ पे जो है लास्ट टाइम जो ओवरफ्लो हुआ था, डैम फुल कर गया था उसके और गेट खोल। ऊपर तक जाना है इतना आसान नहीं है जितना सोचा था। आगाज भाई, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। रहनुमा चाहिए? कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला,
और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला।